हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राधिका और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन फिर से शेयर करने जा रही हूँ। और अभी मेरे दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मेरे बच्चों का ये फर्स्ट डे आज स्कूल ओपन हुआ है समर वैकेशन के बाद, तो वो लोग स्कूल जा चुके हैं और मेरे हस्बैंड भी अपने काम से निकल चुके हैं। तो अभी मेरा सारा काम हो चुका है घर का और बस अभी तक मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। अभी मैं नहा के आई हूँ और उसके बाद चलिए तो ब्रेकफास्ट। और आज मैं आप सभी के साथ कुछ बातें करना चाहती हूँ जो मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे एक क्वेश्चन आते हैं और मैं पहले ही इन क्वेश्चनों का आंसर दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आते हैं और मैं किसी की रिप्लाई भी करती हूँ, लेकिन ये वीडियो मैं मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक डिटेल में बता दूँ एक वीडियो में कि मेरी एजुकेशन क्या है और मैं कहाँ से हूँ, मेरे विलेज का नाम क्या है। और कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो गया था मेरे मायके का विलेज और मेरे ससुराल का विलेज, तो चलिए मैं इसी टॉपिक में आज मैं आप सभी के साथ बात करूँगी और कुछ अपने बारे में भी बताऊँगी। और मैं ये सब एक बार और मैं बता चुकी हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम लाइव आई थी उस टाइम भी मैंने ये बताया हुआ था, लेकिन फिर भी जो नए लोग जुड़ रहे हैं तो उन लोगों को मुझे लगा कि मैं एक प्रॉपर वीडियो ही बना देती हूँ कि मैं कहाँ से हूँ, मेरी एजुकेशन कितनी है, मैंने कहाँ तक पढ़ाई की है। और मेरे कुछ बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूज हो गए हैं कि मेरे मायके का विलेज और मेरे ससुराल का विलेज, तो इसी टॉपिक में आज मैं पूरी डिटेल में बात करूँगी। तो उससे पहले मैं चलती हूँ किचन और मैं कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और किचन में मैं देख रही थी कि मैं क्या बनाऊँ अपने लिए। तो मैंने यहाँ पे छोटे दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और एक प्याज लिया है। ऐसा हुआ था कि मैंने सुबह नाश्ता बनाया हुआ था, लेकिन मेरे बच्चे का टिफ़िन वगैरह भी मैंने बना दिया था, लेकिन फिर मेरे लिए मैंने कम आटा गूँथा था तो मेरे लिए रोटियां नहीं बची। तो इधर मैंने दो आलूओं को छील के धो लिया है और इधर उसको मैं कद्दूकस की सहायता से दोनों आलूओं को कस लेती हूँ। और उसके बाद मैंने प्याज भी इसी तरह से मैं कर ले रही हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आटा का चिल्ला और सिर्फ मुझे अपने लिए ही बनाने हैं दो, तो इसीलिए मैंने दो आलू लिया है, एक बड़ा साइज का प्याज लिया और उसको इन सभी को कद्दूकस की सहायता से मैं कस लेती हूँ। और ये आटे के चिल्ले में मैं काट के आलू वगैरह नहीं डालती, मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो इसी तरह से मैं कर लेती हूँ आलू और प्याज को। अभी मेरे पास टमाटर है नहीं तो इसीलिए मैंने टमाटर नहीं डाला है। और उसके बाद मैंने दो हरी मिर्च लिया है और दोनों हरी मिर्च को भी काट के मैं इसमें डाल दूँगी। और ये मैं बहुत सिंपल सा इसी तरह मैं कभी कभी बना लेती हूँ, जब ऐसा होता है ना कि बच्चों के लिए क्या हुआ था ना कि आज मुझे बहुत जल्दी बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाना था और आज फर्स्ट दिन ही था, लेकिन बच्चों की वो आदत होती है ना कि समर वेकेशन के बाद छुट्टियों की आदत पड़ गई थी उन लोगों को। तो मैंने इधर आटा ले लिया है और नमक ले लिया है और इसमें मैं हल्दी पाउडर वगैरह डाल दूँगी और मिर्च पाउडर मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाला हुआ है इसीलिए। अब मैं इसको इसका पेस्ट मैं तैयार कर लूँगी। और तो इसी तरह से आज मेरे बच्चों का फर्स्ट डे था तो वो लोग वो उठने में बहुत आलस हो रहे थे कि नहीं, उन लोगों की आदत बिगड़ चुकी है सुबह मॉर्निंग उठने की। और 6:30 बजे का स्कूल है तो करीब आधा पौन घंटा तो पहले ही उठना पड़ता है। तो इधर मैंने तवा चढ़ा दिया है, उसमें मैंने सरसों का तेल लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे आटे के चिल्ले की रोटियाँ बना लेती हूँ। और इसमें सिर्फ मैं दो ही रोटी बनाने जा रही हूँ और दो ही रोटी, इतना मैंने आटा भी घोला हुआ था। और उसके बाद आज मेरा काम भी बहुत जल्दी ख़त्म हो गया है क्योंकि 8 बजे मेरा काम ख़त्म हो गया है। तो इधर वो होता है ना सुबह सुबह जब जल्दी उठो, तो जब स्कूल रहते हैं मेरे बच्चों को तब तो मैं जल्दी उठती हूँ और वैसे छुट्टियाँ रहती है तो जल्दी नहीं उठती हूँ। और जब सुबह उठती हूँ तो सारा काम भी जल्दी ही हो जाता है। और उधर मैंने दूध भी गैस पे चढ़ा दिया है तो दूध भी मेरा गर्म हो चुका है तो उसको मैं बंद कर देती हूँ।
तो इधर मैंने रोटियां भी बना लिया है। और आप सब एक सवाल और मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हो कि मैं नीचे क्यों बनाती हूँ गैस उतार के, तो उसका कारण भी बहुत बड़ा कारण है कि ऐसा है कि जब से मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया है, शादी से पहले से ही मैं खाना बना रही हूँ, तो मैं शुरू से हम लोग ना चूल्हे पे खाना बनाते हैं और चूल्हे पे बैठ के खाना बनाते हैं। तो ये जो गैस है, हम लोग 2-3 साल से गैस यूज कर रहे हैं और अभी भी कभी कभी मन करता है मेरा तो हम चूल्हा जला लेते हैं, चूल्हे पर खाना बनाते हैं। और मुझे बिल्कुल भी खड़े होकर खाना बनाने की आदत बिल्कुल भी नहीं है, और मेरे कमर भी दर्द करते जब मैं ज़्यादा देर खड़ी रहती हूँ, और पैर, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं। और खाना बनाने में तो 1-1.5 घंटा लग ही जाता है, और आप देख सकते हैं मेरा स्लिप इतना छोटा है कि इसमें सिर्फ गैस ही रख पाते हैं। जब रोटी बेलने का रहता है तो इसमें तो चकला बेलन आता ही नहीं है, इसीलिए मुझे गैस नीचे उतार के रोटियां बनाना पड़ता है। तो इसीलिए यही एक कारण है कि मैं नीचे खाना बनाती हूँ। और उसके बाद मेरा आटा का चिल्ला बन चुका है तो मैं खा लेती हूँ। और मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है, तो जिस टॉपिक में आज मुझे बात करना था उस टॉपिक में बात कर लेती हूँ। तो कुछ नए सब्सक्राइबर जो मुझसे जुड़ते हैं वो लोग यही पूछते हैं कि आप किस विलेज से हो, तो मैं उनके जवाब देती हूँ कमेंट बॉक्स में, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो लेकिन मैं आज बता दे रही हूँ मैं झारखंड से हूँ और मेरा ससुराल झारखंड में है, झारखंड के रामगढ़ एक छोटा सा शहर है और अच्छी जगह है, उतना भी इसमें हमारे शहर में मतलब कि अच्छे अच्छे थोड़े से दुकान भी है, हॉस्पिटल वगैरह भी सब अवेलेबल है। लेकिन मेरे जो मायके का गांव है वो बोकारो में पड़ता है, और वो बहुत ज़्यादा गांव है, मेरे मायके का जो गांव है वो, अगर आपको कहीं हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा या फिर कहीं आपको शॉपिंग कपड़े लेने के लिए भी जाना पड़ता है मेरे मायके गांव से, तो 7 किलोमीटर दूर आना पड़ता है, और वहाँ पे सुबह और शाम को टाइमली गाड़ी चलती है। लेकिन ये जो मेरे ससुराल का गांव है रामगढ़, तो यहाँ पे ये ठीक है, मेरे मायके गांव से बहुत अच्छा है। और क्या कहते हैं, बस अब मैंने बता दिया है कि मेरा ससुराल रामगढ़ में है, मायका का गांव है बोकारो में पड़ता है, एक छोटा सा गांव है, वो बहुत छोटा सा गांव है, उसका नाम मैं बताऊंगी तो शायद कोई नहीं जानेगा, इसीलिए मैंने बता रही हूँ। और उसके बाद मैंने जो एक बर्थडे वाला वीडियो मैंने डाला था, जिस दिन मेरी बेटी का बर्थडे था उस दिन मैं मंदिर गई थी, और कुछ लोग तो पहचान भी लिए थे कि ये मंदिर रामगढ़ में है, तो शायद वो रामगढ़ से ही होंगे, नहीं तो रामगढ़ के आसपास से ही होंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे कुछ लोग रामगढ़ से भी देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब मेरे सारे कन्फ्यूजन क्लियर मैंने कर दिए कि मैं कहाँ से हूँ, और बहुत लोगों की कन्फ्यूजन ये होता था कि मैं मायके में भी बताई थी कि मैं झारखंड से हूँ, और उस टाइम मुझसे गलती हो गई थी, मैंने अपने विलेज का नाम नहीं बताया था, इसीलिए कन्फ्यूज हो गए थे कि मेरा ससुराल कहाँ है और मायके कहाँ है। तो उसके बाद एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में कि मेरी एजुकेशन क्या है, मैंने कहाँ तक पढ़ाई की है। तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने 12th तक पढ़ाई की है, उसके बाद मेरी शादी हो गई थी और मैंने झारखंड से ही पढ़ाई की है, और उसके बाद शादी हो गई, तो और मुझे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है, जितनी थोड़ी बहुत आ जाती है लेकिन उतनी ज़्यादा मुझे इंग्लिश नहीं आती है। तो अब मैंने सारे कन्फ्यूजन आपके साइड क्लियर कर दिए होंगे, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको जरा सी भी मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, बाय।